यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में पोएम्स के अंतर्गत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षवर्त की फेमस जो पोएम हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वे क्वेश्चंस जो आपको ऑन फिंगर्स होने चाहिए वही वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। 3 से 4 वीडियो पहले ऑलरेडी उनके ऊपर बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिएगा। माई डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिशांक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम वर्षवर्त की जो फेमस पोएम है लंदन 1802, या जो अब 2 मिल्टन के नाम से जानी जाती है, तो उन्होंने ये लंदन 1802 है या 2 मिल्टन है, इसके अंतर्गत हम उसकी समरी, उसकी जो पॉपुलर लाइंस है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इससे बनते हैं उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। अगर आप न्यू व्यूवर्स है, दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लंदन 1802 जिसे 2 मिल्टन के नाम से जानते हैं, वो वर्षवर्त का एक सोनेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि विच टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री लंदन 1802 या 2 मिल्टन, दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन आएगा तो आपको दोनों करेक्ट है। तो ये वर्षवर्त का सोनेट है, और वर्षवर्त जो है यहाँ पर इन्वोकेज करता है मिल्टन को, यानी मिल्टन को के बारे में वो कहता है, उसको याद करता है। और ये मिल्टन जो स्टैंड्स फॉर लोप्टी आइडियल्स, जो मिल्टन यहाँ जो वर्ड्स हैं वो उसके जो लोप्टी आइडियल्स हैं, उसके जो विचार्स हैं उनके बारे में बात करता है। बात करते हैं, द पोइट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम। एक्चुअली क्या है, जो वर्षवर्त है आप सभी जानते हो नेचर्स के पोएट थे, और जो लंदन में मैटरियलिस्टिक जो फीलिंग बढ़ रही थी उनको लेकर वो बहुत परेशान थे। तो मिल्टन को याद करते हुए कहते हैं कि पोएट महसूस कर रहा है कि मिल्टन को इस समय, इस टाइम पर उनको जीवित रहना चाहिए था, या उनको जीवन, पीपल हैव लॉस्ट इन वर्ड हैप्पीनेस। इस पोएम में वो कहता है कि पीपल जो है, व्यक्ति अपने अंदर की जो हैप्पीनेस है वो खो चुका है, क्योंकि वो नेचर के संपर्क में नहीं है। और लव ऑफ ऑफ फ्रीडम एंड वर्चू आर नो मोर फाउंड इन द पीपल, जो फ्रीडम के लिए प्यार है या गुण है, क्वालिटी है, आप लोगों में नहीं पाया जाता है। वॉट रिमेन्स इज द सेल्फनेस ऑफ द पीपल, तो वो कहते हैं कि सेल्फीनेस, जो सेल्फिशनेस है ना लोगों के अंदर, सिर्फ वो बच गई, बाकी और कुछ नहीं बचा है। द कंट्री हैज़ बिकम ए मर्सी लैंड, जो कंट्री है ना वो एक मर्सी लैंड बन गई है, यहाँ पर मतलब रहने योग्य जगह नहीं बची है। मिल्टन कैन रेज दैम अगेन, मिल्टन जो है इन सबको हटा सकता है दोबारा से, जो पहले वाला जीवन है उसको वापस ला सकता है। ही कैन गिव द पीपल मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम एंड पावर, वो मिल्टन को याद करते हुए कहते हैं कि अगर वो उस टाइम जीवित होते तो वो लोगों को उस मैनर्स क्या है, वर्च्यू क्या है, फ्रीडम क्या है, पावर क्या है, वो उन्हें सिखा सकता है, उन्हें दे सकता है। ये इसकी एक समरी है एक तरह से, आप मान कर चलिएगा। ही इज़ अ स्टार दैट डूज इज इट्स विदाउट इक्वल, वो एक स्टार है अपने आप में जो करता है विदाउट इक्वलिटी के भी, वो एक स्टार है। द पोएट कंक्लूड सेइंग, इस पोएम को कंक्लूड करता है पोएट यानी वर्षवर्त की, मिल्टन शुड कम अगेन रिफॉर्म द पीपल, कि मिल्टन को दोबारा आना चाहिए और लोगों को सुधार कर, लोगों के अंदर जो डिसक्वालिटी आ गई उनमें सुधार करना चाहिए। ये इसकी समरी है, छोटी समरी है। और ये जो आप क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दिस सोनेट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन, तो जो सोनेट है वो मिल्टन को ट्रिब्यूट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसको ट्रिब्यूट किया है। और फर्स्ट इट इज़ पब्लिश्ड अंडर द टाइटल टू लंदन 1802, तो जो स्टार्टिंग में उन्होंने पब्लिश किया था वो टू लंदन 1802 के नाम से पब्लिश किया था। दोनों ही आपके टाइटल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दोनों ही तरीके से आ सकता है, इसे दोनों याद रख लेंगे। लेकिन वर्षवर्त उसको बाद में चेंज कर देता है टू मिल्टन, तो ये भी आ सकता है कि टू मिल्टन किसको चेंज किया गया, टू मिल्टन 1802 में किया गया, या टू लंदन 1802 का अनदर नेम क्या है तो टू मिल्टन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसकी जो फेमस लाइन है जो बार बार पूछी जाती है, पहले भी पूछी जा चुकी है, मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैट नीड ऑफ दी, शी इज़ अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, तो ये चीज़ें, ये चार लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी गई है। एक ये और चार लाइन है, वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू और अगेन, रिटर्न ओ दोबारा से आ जाओ। तो वही बात जो मैंने आपको इसकी समरी हिंदी अभी डिस्क्राइब की थी, सेम वही लाइनें हैं। दिस सोल वॉज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जितनी भी ये लाइन में बता रही ना बार बार एग्जाम में रिपीटेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये आपका छोटी सी पोएम है, मतलब सोनेट है, 40 लाइन को है, टू मिल्टन, इसकी मैं समरी बताई है, इसकी फेमस जो लाइन है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम, वो कब पब्लिश हुई है, किसको वो डेडिकेट करता है, किसको वो इनबॉक्स करता है, किसको न्यूज़ करता है, ये सब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाय, जय हिंद।